Shri Pramod Mahajan, bill for consideration on passing. अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से संसद सदस्य वेतन भत्ता पेंशन संशोधन विधेयक 2001 बहस और पारित करने के लिए सदन के सामने रख रहा हूं। प्रारंभ में मैं कुछ संक्षेप में कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि सदस्यों का वेतन भत्ता तथा पेंशन बढ़ाने का हमारा ये प्रस्ताव किसी अपराध बोध के साथ मैं नहीं कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि यह आवश्यक है और यह आवश्यक होने के कारण पूर्ण विश्वास के साथ इस प्रस्ताव को हम सदन के सामने रख रहे हैं। उसके पीछे किसी प्रकार का अपराध बोध हमें नहीं है कि हम कोई गलत बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूं कि हमेशा जब ये विधेयक पीछे कुछ समय सदन में आता था तो सबसे पहले शिकायत होती थी कि ये अंतिम दिन आता है, देर रात को आता है, बिना बहस चुपके से पास किया जाता है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक के द्वारा हम ऐसी कोई चीज नहीं कर रहे हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए, और इसलिए हमने सदन में इसको इस सप्ताह के पहले दिन लाया है। और आज जबकि मेरे से अधिक महत्वपूर्ण काम सप्लीमेंट्री डिमांड का होने के बाद भी जानबूझकर इसको हमने प्रथम क्रमांक पर रखा है, ताकि जो बहस करना चाहे, समर्थन करना चाहे, विरोध करना चाहे, उसकी बहस हो और सोच समझकर, कोई बिना बहस जल्दबाजी में फैसला करने की आवश्यकता नहीं है। कोई गलत फैसला करना हो तो तब करना चाहिए, अगर सही फैसला कर रहे हैं तो इस प्रकार करने का कोई आवश्यकता नहीं है। स्वाभाविक मेरा यह कर्तव्य है, जबकि सब जानते हैं कि विधेयक में क्या है, तब भी पद्धति के अनुसार मुझे यह बताना आवश्यक है कि विधेयक में क्या है। सबसे पहले तो कानून का परिवर्तन तो केवल तीन मुद्दों पर हो रहा है और एक संशोधन आ रहा है। एक है जो भत्ता है, जो वेतन है, वो हम 4000 से 12000 रुपए कर रहे हैं। जो प्रतिदिन भत्ता 400 मिलता है उसको हम 500 कर रहे हैं, और जो हमें 500 कर रहे हैं, और जो हमें 6 रुपए प्रति किलोमीटर ये माइलेज मिलता है उसकी जगह हम 8 रुपए प्रति किलोमीटर कर रहे हैं। वैसे कानून के अंतर्गत तो संशोधन इतने ही कर रहे हैं, और एक संशोधन मैं बाद में सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें हम पेंशन 2500 से प्रतिवर्ष 2500 जो मूल पेंशन है उसको 3000 तक बढ़ा रहे हैं, और प्रति वर्ष के साथ 500 जो बढ़ती है उसकी जगह 600 बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो चीजें मैंने जैसे कहा कि जिसके लिए संशोधन आवश्यक नहीं है लेकिन जानकारी आवश्यक है, कि जो निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता है वो हम 8000 से 10000, कार्यालय का भत्ता है वो 9500 से 14500, बिजली जो मुफ्त बिजली यूनिट मिलते हैं वो 25000 से 50000, और जो जल मिलता है वो 2000 किलोलीटर से 4000 किलोलीटर कर रहे हैं। टेलीफोन के लिए एक हम छोटी सी सुविधा दे रहे हैं कि जिनके चुनाव क्षेत्र 1000 किलोमीटर से अधिक हैं उनको हम 20000 अतिरिक्त मुफ्त स्थानीय टेलीफोन कॉल दे रहे हैं। इसके साथ साथ, इसका मेरे आईटी होने से तो कोई संबंध नहीं, लेकिन इसके साथ साथ हम सदस्यों को मोबाइल फोन उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे अखबारों में चर्चा में यह लिखा गया है कि इस मोबाइल फोन पर हम 1 लाख कॉल ज्यादा दे रहे हैं, और इसको गृहित सबने मानकर तो चर्चा शुरू की। हमने कोई कॉल नहीं बढ़ाया। जो हमको 1 लाख कॉल मिलते हैं, जो 1000 किलोमीटर के अंदर रहते हैं संसद भवन से, उनको 1000 कॉल ही मिलेंगे, 1 लाख कॉल ही मिलेंगे। वो 1 लाख कॉल जो आज हमारे घर के और यहां के टेलीफोन पर विभाजित है, उसमें एक और विभाजन आ जाएगा, वो आ जाएगा मोबाइल फोन। और इसलिए अगर मोबाइल पे कोई 25-30 हजार खर्चा किया गया तो वो एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे समाचार पत्रों ने बिना पढ़े ये लिख दिया और उसकी आलोचना भी की कि 1 लाख नए कॉल कर रहे हैं। तो मुझे लगा सबसे पहले मैं बताऊं कि 1 लाख नए कॉल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं।
अब इसमें सबसे पहली बात जो मुझे लगता है कि शायद समाचार पत्रों की आलोचना में छूट गई है, पहली बार इस बार हम अपने आप को संसद बांध ले रही है कि अगली बढ़ोतरी 5 साल के अंदर नहीं होगी, और इसलिए पहली बार हमने, इसके पहले कभी भी जब संशोधन इस विधेयक में हुए तो कभी यह नहीं कहा गया कि हम कभी कभी नहीं करेंगे, जल्द, कोई तिथि नहीं थी। और फिर जैसे जब मन में आता था होता था, हमने ये कहा है कि लोकसभा में केवल एक बार होना चाहिए, और एक बार का अर्थ यह है कि 5 साल में एक बार होना चाहिए, और इसलिए पहली बार हम अपने आप को इसमें 5 साल के लिए बांध ले रहे हैं। 5 साल के लिए, टोटल 5 वर्ष नहीं, वैसे टर्म ये 5 साल चलेगी, और इसमें कोई, हाँ, इसलिए हमने उसको 99 से 2004 तक बांध लिया है, नहीं लिखा तो 5। अध्यक्ष जी, इसकी सबसे बड़ी जो आलोचना होती है, और शायद मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा वजन आता है, कि लोगों की यह शिकायत होती है कि यह कौन सा तरीका है कि संसद सदस्य खुद का वेतन भत्ता खुद ही बढ़ाते हैं। अब हमें आलोचना ठीक है कि भाई कोई आदमी को अपनी खुद की तनख्वाह बढ़ाने का, लेकिन बहुत विद्वान लोग भी इस बात को जानते नहीं है कि यह संविधान की व्यवस्था है। यह व्यवस्था कोई इस सरकार ने, उस सरकार ने नहीं लाई है, संविधान निर्माताओं ने संविधान लिखते समय धारा 106 बनाई, और धारा 106 के अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने यह कहा कि संसद सदस्यों को समय समय पर जो वेतन या भत्ता देना पड़ेगा उसका फैसला संसद करेगी। और हो सकता है कि संविधान के निर्माताओं को लगा कि संविधान, संसद सार्वभौम होने के कारण और संसद सदस्य उस सार्वभौमत्व का प्रतीक होने के कारण उनका फैसला कोई और बाहर से करे, ये कम से कम उस समय संविधान निर्माताओं को उचित नहीं लगा। और उसके कारण अगर ये पद्धति किसी को बदलनी है तो पहले तो हमको संविधान से धारा 106 को हटाना पड़ेगा, और संविधान से पूरी की पूरी धारा हटाना यह शायद पहला अवसर होगा संविधान संशोधन का, क्योंकि संविधान में संशोधन तो होते रहे, पता नहीं, मुझे, मैं विशेषज्ञ तो हूं नहीं, लेकिन पूरी की पूरी धारा ही हट जाए कि ये करने की जरूरत नहीं, किसी और प्रक्रिया से आ जाए, यह पहला अवसर होगा। लेकिन मैं उसके साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई और पद्धति बनानी है तो सरकार को इस पद्धति पर कोई आपत्ति नहीं, अगर कोई पद्धति आम सहमति से बनती है, क्योंकि अभी तो 5 साल का अपने पास समय है, अगर कोई पद्धति आम सहमति से बने तो उस सहमति पर हमें कोई आपत्ति नहीं, उसके द्वारा हम सदस्यों के वेतन और भत्ते को तय कर सकते हैं। लेकिन आज हमको इस बात का अपराध बोध होने की आवश्यकता नहीं है, इस बात के लिए शर्मिंदा महसूस करने की आवश्यकता नहीं है कि हम अपना वेतन खुद ही क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने यही व्यवस्था दी है, संसद में 24 बार यही हो रहा है, 25 बार ये होगा। अगर हमको आगे चलकर कोई एक व्यवस्था बने जिसमें आम सहमति बने, क्योंकि संविधान का संशोधन तो 2/3 बहुमत से होगा, और अगर सभी राजनीतिक दल मिलकर कोई एक और पद्धति दिखाते हैं जो सबको मंजूर है, तो इसको पद्धति में बदलने की हमें कोई उसमें गलती नहीं लगती, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन जब तक हम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें गलत कुछ नहीं है। अब ये कानून के अंतर्गत जो पद्धति है उसमें तो मदद करने के लिए एक सर्वदलीय समिति होती है। इस बार सम्माननीय सदस्य जो बैठे हैं यहां पर, मेरे मित्र केपी सिंहदेव जी, उनके अध्यक्षता में ये समिति थी, और उन्होंने एक प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में एक छोटी उपसमिति बनाई जिन्होंने विचार किया। अब इन्होंने जो सिफारिशें दी है, मुझे राजनीति नहीं करनी है, लेकिन ये एक मत से दी है, इसलिए सदन में आकर किसी का मत परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इस समिति में सभी दलों के सदस्य थे, और जहां तक मेरी जानकारी है, गलती हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, कि किसी भी दल के किसी भी सदस्य ने वहां तो कम से कम किसी प्रकार की भिन्नता नहीं बताई है कि यह नहीं करना चाहिए, और इसलिए यह एक मत से आया है। अब अध्यक्ष जी, इसमें 2-3 छोटे मुद्दे हैं, मैं चर्चा के पहले जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत बार समाचार पत्रों ने लिखा कि भाई 12,000 तनख्वाह कर दी। अब एक 12,000 का हम पहली बार ध्यान लें, जैसे मैंने कहा पहली बार हम 5 साल के लिए अपने आप को बांध दे रहे हैं, वैसे पहली बार संसद सदस्य अपनी तनख्वाह पर आयकर दे रहे हैं,
इनकम टैक्स देने की व्यवस्था बन जाएगी। पहली बार हमने अपने आप को इनकम टैक्स के दायरे में लाया, नहीं तो मेरे पास भी वो पुराना रास्ता था, या असली माने तो सिंहदेव जी के पास भी वो पुराना रास्ता था कि हम भत्ते इतने बढ़ा देते और तनख्वाह चार हजार ही रखते, तो इनकम टैक्स को कागज देना पड़ता 4,000 का। लेकिन हमने कहा जरूरी नहीं, अगर तनख्वाह बढ़ानी है उस पर इनकम टैक्स लगता है, तो सारी दुनिया अगर इनकम टैक्स देती है तो संसद सदस्य भी अपने वेतन पर इनकम टैक्स दे, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। और इसलिए पहली बार अगर ये दोनों सदन की इसको मंजूरी मिल जाए अध्यक्ष जी, तो पहली बार एक भी संसद सदस्य अब ऐसा नहीं होगा जो इनकम टैक्स देता नहीं होगा। पहली बार उसको इनकम टैक्स के दायरे में लाने का काम एक अरसे होगा, क्योंकि पहले हो सकता है कुछ लोग देते होंगे कुछ लोग ना देते होंगे, और इसलिए पहली बार वो इनकम टैक्स देने की स्थिति है। अब सवाल यह आता है कि हमको यह लगेगा कि भाई इतना ये बढ़ा कैसे 4,000 का 12,000, क्योंकि 12,000 अपने आप में कोई ज्यादा नहीं है। अब और एक शिकायत होती है अध्यक्ष जी हमसे, ये तनख्वाह बढ़ाते हैं और काम नहीं करते हैं। एक है और काम नहीं करते हैं इसमें, ये जो अभी का वर्ष अपना वर्षाकालीन सत्र है और आपने अच्छा निर्णय लिया है, अब वो लक्ष्मण रेखा का कि उसके अंदर जाना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी लक्ष्मण रेखा उसी को कहते हैं जिसके अंदर जाने से रामायण होता है, अब इसलिए और इसलिए लक्ष्मण रेखा कहें या इसको बालयोगी रेखा कहें ये तो हमको बाद में तय करना पड़ेगा। लेकिन आपने अच्छा निर्णय लिया और मैं तो सदन का एक क्षण भी व्यर्थ जाए इस मत का नहीं हूं, मैं किसी एडजस्टमेंट के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं उन लोगों को यह बताना चाहता हूं कि इस सत्र में 27-28 घंटे एडजस्टमेंट से गए, इसका हमको दुख है। इसके कारण जब हम वेतन वृद्धि करते तो जनता की शिकायत होती है, लेकिन जनता को या पत्रकारों को इस बात का पता नहीं है कि जैसे 28 घंटे हमारे एडजस्टमेंट के कारण गए, वैसे ही 6 बजे के बाद बैठकर कल तक हमने 27.5 घंटे अधिक काम किया है, यह किसी के ध्यान में नहीं है। इसलिए मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं किसी एडजस्टमेंट का, एडजस्टमेंट तो होनी नहीं चाहिए, हमको ज्यादा बैठना चाहिए, लेकिन अगर हिसाब की बात करें तो अगर 27-28 घंटे एडजस्टमेंट में गए हैं तो 6 बजे के बाद 10-10 बजे तक बैठकर संसद सदस्यों ने काम। अब दूसरी बात और एक मैं ये कहना चाहूं कि संसद सदस्य के काम की व्याख्या जिस प्रकार आज दुर्भाग्य से मीडिया के बंधु कर रहे हैं वो संसद सदस्यों की काम की व्याख्या नहीं है। ये काम की व्याख्या का अर्थ दिन भर यहां बैठकर दूसरों के भाषण सुनना, ये काम नहीं है कि 11 बजे स्कूल के जैसे आओ और 6 बजे चले जाओ, ये नहीं है काम। वो यहां भी करता है, 10 बजे नोटिस आती है और हमेशा हमारे अखिलेश सबसे पहले नोटिस देते हैं। अब सबसे पहले देते हैं मतलब सबसे पहले उठते होंगे, सबसे पहले अखबार पढ़ते होंगे, सबसे पहले कागज बनाते होंगे, तो उनकी ड्यूटी तो 11 बजे के पहले शुरू होती है। और इसलिए हाँ गले की भी तैयारी करते हैं, तो संसद सदस्य 11 के पहले भी काम करता है, 6 के बाद भी काम करता है। और संसद सदस्य का काम केवल यहां आकर भाषण करना नहीं है, वो लोगों को मिलवाता है, अपने चुनाव क्षेत्र में जाता है, वहां लोगों से मिलता है, और इसलिए इसकी काम की जो व्याख्या है जिसे मानो यहां क्या होता है वही काम है और उसी पर तनख्वाह मिलती है, मुझे लगता है ये भी संसद सदस्यों पर अन्याय होता है। अब जहां तक अध्यक्ष जी मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा क्योंकि हर मिनट का यहां खर्चा होता है, इसलिए मैं पैसा देते समय खर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ये 4,000 से 12,000 ये कैसे आया, क्योंकि सबसे बड़ी तो यही चीज है, इस पे मैं थोड़ा विश्लेषण करना चाहूंगा जो समिति ने कहा है। जैसे मैंने कहा अध्यक्ष जी तनख्वाह हमारी कितनी बार बढ़ी है, अब बहुत जो नए सदस्य और मैं भी जब ये बिल कर रहा था इसीलिए मैंने पढ़ा था, 1 जून 1954 को, 1 जून 1954 को जब पहली बार संसद सदस्यों की तनख्वाह तय हुई तो वो 400 रुपये महीना थी और भत्ता 21 रुपये था। उस समय 21 रुपये भत्ता था और 400 रुपये तनख्वाह थी। तो मैंने पूछा उस समय रुपये की कीमत क्या थी, तो हमको हमारे अधिकारी ने बताया कि उस समय 400 रुपये जब हमारी तनख्वाह थी तब 8 रुपया सॉवरेन सोना था। हमने कहा सॉवरेन सोना क्या होता है, क्योंकि हमको तो 10 ग्राम, तो उन्हें नहीं बोले 8 ग्राम जो सोना होता है उसको सॉवरेन बोलते, और तब उसकी कीमत कोई 8 रुपये थी, आज 3600 रुपये। तो जिस दिन पहले दिन, और वो लोग तो कम से कम 54 में जो लोकसभा के सदस्य थे उन पर तो हम जैसा आरोप नहीं किया जा सकता कि वो सुविधा भोगी थे,
हम पर तो अब पत्रकार आरोप कर सकते हैं कि हम तो यहां पर बैठे सुविधा भोगी है, लेकिन 54 में जिन्होंने 400 रुपयों की तनख्वाह तय होगी वो तो सारे स्वतंत्रता के आंदोलन से निकलकर आए हुए लोग थे और उन्होंने उस समय 400 रुपए की। अब ये 12,000 कैसी हुई? और मैं बधाई देना चाहूंगा केपी सिंहदेव जी की समिति को कि ये 12,000 आंकड़ा कैसे लाए, क्योंकि आज तक तनख्वाह जो बढ़ी है उसका कोई नियम नहीं है। 10 साल के बाद 500 कर दी, फिर 7-8 साल के बाद 750 कर दी, फिर 2-4 साल के बाद 1,000 कर दी, फिर 2-3 साल के बाद 1,500 कर दी, फिर 2-3 साल के बाद 4,000 कर दी। ये भाई डेढ़ के चार, डेढ़ कैसे हो रहे? कुछ नहीं, जिसको जो लगा और जितना हो सके इनकम टैक्स के अंतर्गत रख दी। पहली बार मुझे लगता है सिंहदेव जी और प्रणब मुखर्जी के समिति ने इसको इंडेक्स के साथ जोड़ने का प्रयास किया और उन्होंने ये कहा कि 400 रुपया अगर हमारी मूल तनख्वाह मानी जाए तो इस तनख्वाह को उस समय जो इंडेक्स था और वो आज के इंडेक्स से तुलना करे तो उन्होंने निकाला कि नई तनख्वाह 11,980 रुपया बैठती है। अगर 400 को 1954 के निर्णय को मूल निर्णय माना जाए तो वो आज 11,980 बनती है। फैसले में भी देर हुई और 980 जरा अटपटा लगा, इसलिए हमने इसको 12,000 तनख्वाह की है और इसलिए तीन गुना तनख्वाह हुई है। ये कहना भी एक अर्थ से पूर्ण सत्य नहीं है। पहली बार इंडेक्स के आधार पर तनख्वाह बढ़ाने की कोशिश हुई है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 5 वर्ष के बाद जब फिर से बढ़ाया जाएगा तो इस 12,000 को मूल तनख्वाह मानकर आज से 5 साल में जितना भी फर्क पड़ेगा इंडेक्स में उसके अनुसार तनख्वाह बढ़ाई जाएगी, तो यह शिकायत नहीं रहेगी कि तनख्वाह इस प्रकार क्यों बढ़ी। और इसलिए तनख्वाह बढ़ाने का यह 12,000 का मूल कारण है। जहां तक भत्ता या कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस है, मैं समझता हूं कोई भी मार्क मानेगा कि 98 में अगर हमको 400 रुपए भत्ता मिलता था और अगर हम 2001 में 3 साल के बाद उसका पुनर्विचार कर रहे हैं तो उसमें 100 रुपए बढ़ाना मेरे दृष्टि से कोई बहुत बड़ा आंकड़ा इसमें हुआ है ऐसा नहीं है। अध्यक्ष जी, अंत में केवल मैं एक छोटी सी बात कह के सदन के सामने इसको रखता हूं। सुविधाओं के साथ साथ तनखा के सिवा जो बाकी मिलती है वो सुविधाएं। अब एक पत्रकार ने लिखा, प्रमोद महाजन जिस घर में रहता है उस घर को अगर किराया से लिया जाए तो 2,00,000 रुपए महीना देना पड़ेगा। अरे यार, मैं अगर संसद सदस्य चुनकर नहीं आता तो इस घर में रहने के लिए मैं आता क्यों? मुझे कोई काम बंद पड़ा है कि जाके नॉर्थ एवेन्यू में भाड़े से घर लेके रहो? आता क्यों भाई? लोग 2000 किलोमीटर से दिल्ली में रहने आते हैं, ये कोई खुशी से रहने नहीं आते। द फ्लैट्स गिवन टू अस एज एमिनिटीज। अगर आप कोई कह सकता है भाई आप जनता के सेवक हैं, फुटपाथ पर रहिए, जहां कहिए रिश्तेदार के यहां रहिए, लेकिन आप घर मत करिए। अब ये घर को अगर कमर्शियल इसका कितना बनता है? अगर कोई कंपनी इसको किराए से लेती तो कितना किराया देती? उतना इनको मिलता है? नहीं मिलता है। अब किसी ने कहा बिजली का बढ़ गया, बिजली का बढ़ गया भी बिजली जाएगी ना, कोई बिजली कम यूनिट से कोई पैसा हाथ में मिलता है क्या? किलोमीटर करने से कोई पैसा हाथ में मिलता है क्या? अब जैसे टेलीफोन की बात होती है, माफ करना, किसी ने यह भी कह दिया कि इसमें तो एक टेलीफोन इसमें एक टेलीफोन एक्सचेंज चलेगा 1,00,000 टेलीफोन। मैंने हिसाब करने की कोशिश की, अध्यक्ष जी आपका थोड़ा समय लेके जरा मैं बता दूं ताकि इसके बारे में भ्रम दूर हो। 1,00,000 टेलीफोन मैंने गिनने, मैं मुंबई से आता हूं तो स्वाभाविक मैं मुंबई से गिनने की कोशिश की। अध्यक्ष जी, 1,00,000 टेलीफोन का अर्थ क्या होता है? मैं मुंबई को टेलीफोन करता हूं तो 2 सेकंड को एक कॉल होता है। 2 सेकंड को एक कॉल, इस हिसाब से अगर मेरा मुंबई से बातचीत गिनी जाए तो 1,00,000 टेलीफोन में मैं मुंबई के साथ नॉन स्टॉप बात करूं तो 67 आवर्स बात कर सकता हूं। और पूरे साल के जो घंटे होते हैं, साल के भी घंटे होते हैं ना, वो होते हैं कोई 8,756। तो पूरे साल के जितने घंटे होते हैं उसका 1% भी टेलीफोन पर नहीं मिल रहा है। अच्छा, टेलीफोन कॉल कोई फिर पैसा नहीं है? अगर मान लीजिए 75 हो जाए तो कोई हमको पैसा नहीं दे रहा है? इसलिए टेलीफोन कॉल ये सुविधा है। और आज ये टेलीफोन कॉल तब किए थे जब एसटीडी नहीं थी, जब आप आज एसटीडी और आईएसडी ऐसी बनी है। और दूसरा, हम बाहर लोग माने न माने, हमारा टेलीफोन जरूरी नहीं है कि हम ही उपयोग में लाते हैं। अब प्रियरंजन कोई जब टेलीफोन का बिल लेके आते हैं किसी विवाद पे तब तो बात अलग है, लेकिन हम सबको मालूम है कि हम सबके घर में जो टेलीफोन होते हैं उसमें से आधे से अधिक टेलीफोन हम नहीं करते हैं।
और जो एक बार वोट देता है वो अगर फोन करने ना दें वापस रघुनाथ जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो कहता अच्छा इसलिए वोट मांगा था, एक कॉल करने नहीं देता है। अच्छा वो एक कॉल जब शुरू कर देता है तो 10-15 मिनट बोलता है तो उसका 2000 तो वही ले जाता है। और ऐसे 20-25 अगर सांसद के घर में रोज आते हो और 5-7 फोन करे तो 1,00,000 कब खत्म होता है? मुझे मालूम नहीं 1,00,000 में किसका सेविंग होता है। मुझे अगर कोई सेविंग करने वाला हो तो बात अलग है कि भाई 1,00,000 तो थे लेकिन बिल 75,000 हो। और इसलिए अध्यक्ष जी मैं केवल अंत में यही कह रहा हूं कि मैं कोई हमारी आत्मस्तुति नहीं करना चाहता, वो मूर्खों का लक्षण है, लेकिन आत्मनिंदा भी इतनी मत करिए जो आत्महत्या तक चली जाए कि हम कोई बड़ा पाप कर रहे हैं। और इसलिए मैंने शुरू से कहा, मैंने जो ये विधेयक सदन के सामने विनम्रता पूर्वक लाया है वो किसी अपराध बोध से नहीं लाया है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि पूरे इतनी जरूरत संसद सदस्यों को है और इसके दृष्टि से मैं ये विधेयक आपके सामने रख रहा हूं। आशा है ये सर्वमत से पास हो जाएगा।